व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आऊँ पहुजा मोटर्स पे, जो कि लोकेटेड है करोल बाग में। एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दो स्पेशल लग्जरी एसयूवीज दिखाने वाला हूँ। बहुत ही डिमांडिंग लग्जरी एसयूवीज हैं, बता दूँ दोनों एक ही सेगमेंट की एसयूवीज है। तो जो आज के व्लॉग में मैं आपको दोनों एसयूवीज दिखाने वाला हूँ गाइस, वो ये रही। एक है आपकी बीएमडब्ल्यू X5 एंड एक है आपकी पोर्श काइन। दोनों कार पे एक आपका डेडिकेटेड ब्लॉग आने वाला है। बता दूँ दोनों कार जो है वेल मेंटेन्ड कंडीशन में है। आपको कार की कंडीशन दिखाऊंगा। कुछ भी इस कार के रिगार्डिंग आपको क्वेरी चाहिए, आपके सामने भाई का नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। प्लस अगर आप इनका स्टॉक देखना चाहते हो तो आप इनके पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हो। पहुजा मोटर के नाम से इनका पेज है, साइड में आप देख रहे हो इधर इनका पेज आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, जब भी इनको फॉलो करते हो तो जो भी नई कार इनके स्टॉक में ऐड होती है उनका अपडेट वहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे ऐसी आपको एक्सपेंसिव कार की रील्स भी देखने को मिलती रहती है, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करना। और फेसबुक पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी आपको बढ़िया बढ़िया अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। तो चले गाइस, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। सो गाइस, आज के ब्लॉग की जो हम आपको सबसे पहली गाड़ी दिखा रहे हैं वो है आपकी बीएमडब्ल्यू की X5। बता दूँ ये कार जो है आपका यूपी रजिस्टर्ड गाड़ी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कार की फ्रंट प्रोफाइल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, जो फ्रंट में आप इधर देखते हैं, इधर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED लाइट्स का पैटर्न देखने को मिलता है। नीचे अगर आप आएँ तो ये आपको दोनों तरफ मिलते हैं हेडलाइट वॉशर। एंड यहाँ पे इसके आते हैं आपके फॉग लैंप्स। इधर हम नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे इसके आपके आते हैं पार्किंग सेंसर, इधर आपको चार देखने को मिलते हैं। और इसमें जो गाइस ग्रिल है, अगर आप देखेंगे X1 में, X3 एंड X5 में, X5 में जो आपको बड़े साइज की ग्रिल दे रखी है, मतलब जैसे जैसे X3 है उसमें छोटे साइज की ग्रिल है, X5 में बड़ी, और X7 में इससे ही बड़ी ग्रिल आपको देखने को मिलती है। बीच में आपका आता है BMW का लोगो आता है देखने को। एंड फ्रंट प्रोफाइल से बात करूं, गाड़ी जो है एकदम वेल मेंटेन्ड एंड नीट कंडीशन में है। ब्लू कलर की एक गाड़ी है। अब फ्रंट से मैंने इसकी आपको लुक दिखा दी, अब एक बार साइड में लेकर चलता हूं, आइए। सो गाइस, अब इसकी साइड प्रोफाइल की हम बात करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की गाइस बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी, मतलब अगर कहीं बम्प से गाड़ी निकलती है तो ईजिली पास आउट हो जाती है। तो सबसे पहले हम टायर्स की बात करें, टायर्स की कंडीशन गाइस बहुत अच्छी है, गुड ईयर के टायर मिलेंगे। एंड जो टायर साइज इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा 255/55R18, इसमें आपको टायर साइज मिलेगा। अलॉयस की बात करें तो इसमें आपके आते हैं मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स एंड बीच में आती है आपकी BMW की बैजिंग। और अब आगे मैं बात करूं तो गाइस ये जो आप देखते हैं इसमें आपका आता है फोल्डेबल, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स आते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर्स। सो गाइस यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपको साइड में एयरवेंट्स दे रखे हैं, मतलब हवा पास आउट होने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे आपके आती है X Drive 30D की बैजिंग आती है। एंड जैसे आप कार को एंटर करते हैं तो यहाँ पे फुटपैक्स दे रखे हैं, इससे आप ईजिली आराम से कार में पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं। सो बाकी ओवरऑल आप साइड की प्रोफाइल देखो, नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलती है। एंड ये देखिए यहाँ पे पूरी आपकी आती है क्रोम की फिनिशिंग आती है पूरी विंडोज़ के साइड में। तो ये गाड़ी जो है बेसिक आपकी प्रॉपर 5-सीटर कार है। तो साइड प्रोफाइल से आपने गाड़ी देख ली, अब एक बार आपको बैक से दिखाता हूँ, आइए। सो गाइस अब मैं इसकी बात करूँगा, बैक प्रोफाइल की हम बात करें, इधर आपका आता है रेयर वाइपर, डिफॉगर एंड इधर आपकी ब्रेक लाइट आती है देखने को। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा आपका आता है LED इंडिकेटर की आपकी पूरी लाइट्स आती है, जो कि इसकी टेल लाइट है, पूरी LED लाइट्स आती है। BMW की बैजिंग आएगी एंड यहाँ पे आपकी आती है X5 की बैजिंग। बाकी इसके हम नीचे बात करें तो गाइस इसमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं, सिंगल टिप इस साइड एंड सिंगल टिप आपको उस साइड देखने को मिलेगी। प्लस इसके ऊपर आपके आते हैं इसके पार्किंग सेंसर्स। अब एक बार इसका बूट स्पेस ओपन करना है तो ये इसकी की है, हमने की से इसको प्रेस किया एंड ये देखिए इसका बूट स्पेस जो है ओपन हो जाता है। इसमें गाइस बेसिकली जो ओपन करने का सिस्टम दे रखा है, लाइक जैसे आपने देखा था जो ओल्ड शेप की आपकी रेंजर आती थी उसमें 2 टाइप से ओपन होता था, इसमें भी ऐसे 2 टाइप से आपका ओपन होता है, ये देखिए। तो अगर आपके पास कोई हैवी लगेज है आप इसको आराम से खोल के आराम से यहाँ पे लगेज रख सकते हैं। एंड बता दूँ इसमें आपको आराम से 300 से 400 लीटर का बूट स्पेस आराम से देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इसको हमने यहाँ से ओपन किया तो यहाँ पे इसका आपका आता है डोनर टायर आता है, ये देखिए, ठीक है। इसको हम करेंगे क्लोज। एंड गाइस कार की आप कंडीशन देखना, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है ये। अब इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज, तो पहले हमें इसे यहाँ से क्लोज करना पड़ता है, ये हो गया यहाँ से लॉक, देन इसको हमने प्रेस किया तो ये हो जाता है यहाँ से क्लोज। तो एक बार आपको आइए चलते चलते मैं एक बार सेकेंड रो का स्पेस दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ पे आपके आते हैं ब्लाइंड्स आते हैं जो कि मैनुअल, जैसे आपको पता है एट अ टाइम दिल्ली में 40-45 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, तो यार ये तो मैंडेटरी है, गाड़ी में होना जरूरी है। बाकी यहाँ पे जो है आपकी वुडन की फिनिशिंग आती है, ये देखिए इसमें जो वुडन दे रखी है, लाइक कैसे कर्व्ड, लाइक इसमें ये देखिए स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड दे रखी है, कितनी अच्छी है देखिए, और एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। बाकी यहाँ का देखिए जो आपका बेज कलर का ये आपका लेदर है, पूरी एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पे आपके ट्विटर एंड स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं। अंदर का एक बार मैं आपको सीट्स दिखाऊंगा, बेज कलर का इसके अंदर आपको इंटीरियर मिलेगा, 5% इसमें आराम से बैठ सकते हैं। प्लस इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका आता है फ़ोन रखने का ऑप्शन, एंड यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके दो कप होल्डर्स बन जाते हैं। इसको हम करेंगे क्लोज,
सो अब एक बार आपको आगे लेके चलता हूँ एंड आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। प्लस इस गाड़ी में जो है आपको टू जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। इसमें पीछे जो है सेकंड रो में आपको वेंट्स मिलते हैं, मतलब वेंट्स एंड आपको कंट्रोल करने के लिए एसी मिलते हैं। ठीक है, अब आपको दिखा दिया, बाकी आपके पिलर्स में भी इसमें आपके वेंट्स आते हैं। तो चलिए आपको फ्रंट में दिखाता हूँ ये। सो गाइस अंदर एंटर करने से पहले ये देखिए, जो आप सीट्स देख रहे हैं बेज कलर की सीट्स हैं एंड दोनों जो आपकी ड्राइवर सीट एंड जो साथ वाली पैसेंजर सीट है दोनों आपकी ऑटोमेटिक सीट्स मिलेंगी जो कि आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। साइड में इधर आपको ऑप्शन देख रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, देखिए। बाकी अब मैं बात करूँ तो जैसे कि आप स्टेयरिंग देखेंगे BMW की बैचिंग है एंड उसमें आपको सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। उसके पीछे आपको देखने को मिलते हैं पैडल शिफ्टर, इसमें देखने को मिलेंगे एंड ये जो आप सामने वो देख रहे हैं अपने मीटर, ये आपका इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, आपकी गाड़ी का क्या टेम्परेचर है एंड कितना फ्यूल अवेलेबल है सारे उधर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना गाइस, बाकी हम बात करेंगे स्क्रीन जो आप ये देख रहे हैं ये टच ऑपरेटेड नहीं है, लेकिन इसमें आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है जो कि यार बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं नॉर्मल बात करूँ, अगर मैं BMW 5 सीरीज की से जो पहले बात करूँ, X5 जो ओल्ड शेप आती थी उसमें जो मतलब लगा लो इतनी साइज़ की, मतलब लगा लो 4 या 5 इंच की स्क्रीन मिलती थी, लेकिन चलो अब ठीक है तब ये बड़े साइज़ की स्क्रीन दे रखी है तो मतलब अच्छी दे रखी है। स्टार्ट स्टॉप के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, AC वेंट हैं एंड नीचे जो है इधर आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन आपको इधर मिलते हैं, मतलब जो पैसेंजर साइड है एंड जो ड्राइवर साइड है अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। CD चेंजर के ऑप्शन मिलते हैं एंड नीचे इधर आपको मिलते हैं रेडियो स्टेशन चेंज करने के ऑप्शन, वॉइस के ऑप्शन मिलेंगे। बाकी अब इसको मैं एक बार ओपन करूं तो ये देखिए यहाँ पे आपका आता है लाइटर एंड एश्ट्रे एंड दोनों इधर आपके आते हैं कप होल्डर्स। इसको हम करेंगे क्लोज। अब हम आते हैं ये जो आप देखते हैं ये है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं स्टेप ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। साइड में इधर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोर्ट्स, कम्फर्ट मोड के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपका पार्किंग सेंसर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इधर हम बात करें तो इधर आपकी ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक आती है एंड यहाँ पे आपका ऑटो होल्ड का ऑप्शन आता है। बाकी ये जो आप सारे इधर फीचर्स देखते हैं ये रोटरी बटन दे रखा है, इससे आप अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए जैसे मैं दिखाऊँ नेविगेशन ऑन है तो जैसे जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ ये जूम होते जा रहा है, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं इसको करूँगा वापस तो ये देखिए अपना जूम आउट होते जा रहा है। ठीक है ना, मीडिया, मीनू, टेलीफोन, नेविगेशन, रेडियो, बैक ऑप्शन सारे इधर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको अब मैं करता हूँ ओपन तो ये देखिए इधर आपको मिलता है स्टोरेज स्पेस अपना कुछ भी, ऑक्स एंड USB का ऑप्शन मिलता है, आपका फ़ोन चार्ज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसको करता हूँ मैं क्लोज। तो गाइस बाकी ओवरऑल मैंने आपको कार की प्रोफाइल दिखा दी, एक बार आपको सनरूफ इसका ओपन करके और दिखाता हूँ। ये वन टच एंड इसका जो है पहले ये ऑटोमेटिकली इसका ब्लाइंड जो है ओपन होता है। ठीक है, अब सनरूफ इसको ओपन करना है, इसका एक सबसे बढ़िया जो मुझे एक चीज़ लगी इसका सनरूफ, क्योंकि सनरूफ का इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो ये देखिए वन टच एंड ये आपका हो जाता है इसका सनरूफ ओपन। सो यार मतलब BMW जो है ना गाइस, मैंने हमेशा नोटिस किया है, आप चाहे मर्सिडीज बेंज की गाड़ियाँ देखें, ऑडी देखें, BMW की चाहे 5 सीरीज देखें, 3 सीरीज देखें, हमेशा BMW के जो सनरूफ होते हैं ना हमेशा बड़े साइज के होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लग्जरी कार्स। तो ये देखिए हम फिलहाल मैंने आपको इसका सनरूफ ओपन करके दिखा दिया, अब क्लोज करना है। वन टच ये क्लोज एंड वन टच आपका ब्लाइंड, ये देखिए आपका सनरूफ भी क्लोज हो रहा है एंड ये देखिए आपका ब्लाइंड भी क्लोज हो गया। तो अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ कार के बाहर एंड देता हूँ इस मेन कार की डिटेल। तो आइए, सो गाइस इसकी मैं बात करूँ ये आपकी BMW X5 30 DPE वेरिएंट है, 2016 मॉडल है। ड्रिवन की बात करूँ ओनली 16,000 किलोमीटर ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड, UP नंबर गाड़ी है एंड VIP नंबर इसमें आपको मिलेगा 0333, ओनर ये सिंगल है। अब इसकी मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये आपको कॉस्ट करेगी 46 लाख रुपीज़ विच इज़ अ नेगोशियबल प्राइस। फाइनेंस किसी को करानी है तो पैन इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात अगर न्यू आज के टाइम पे आप देखते हैं तो नई गाड़ी ये 1,10,00,000 की आपको कॉस्ट करती है। तो फिलहाल हमने एक आपको जैसी गाड़ी दिखाई है, मैंने आपको अंदर से इंटीरियर दिखा दिया, इसके शॉर्ट्स दिखा दिए, गाड़ी जो है वेल मेंटेन्ड कंडीशन में। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना एंड भाई का नाम लिखा होगा तो रिगार्ड जरूर होगा। ठीक है ना, इसकी डिटेल हो गई। अब नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है Porsche Cayenne। गैस इस गाड़ी की मैं क्या बात करूँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, 2014 मॉडल है, Porsche Cayenne डीजल है ये। सबसे पहले बात करूंगा फ्रंट प्रोफाइल की, हम बात करें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED लाइट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। नीचे आपके इधर मिलते हैं आपके LED टर्न इंडिकेटर इधर आपको देखने को मिलते हैं, इधर इधर आपके आते हैं यहाँ पे आपके हेडलाइट वॉशर एंड यहाँ पे आपके आते हैं Porsche की बैजिंग। तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखा दी, नीचे जो है आपके आते हैं पार्किंग सेंसर्स एंड इधर आपके आते हैं फॉग लैंप्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सो फिलहाल ये होगी फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब एक बार आपको आओ साइड प्रोफाइल से गाड़ी दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, डीजल की जो है गाइस यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलती है। जो टायर्स की हम बात करें, टायर्स इसमें आपके आते हैं ब्रिजस्टोन के टायर है एंड मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स जिसमें आपको देखने को मिलते हैं ग्रे कलर के एंड Porsche की बीच में आपको बैजिंग मिलेगी। ठीक है, तो बाकी ये जो आप देख रहे हैं इधर आपके आते हैं इधर इसके LED टर्न इंडिकेटर जो कि आपको साइड में दे रखे हैं, प्लस
पहले एक बार साइड प्रोफाइल से गाड़ी देखिए, ये भी गाड़ी जो है एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी है, जैसे कि वो थी ब्लू कलर की, ये भी ऐसी सेम ब्लू कलर की गाड़ी है। ऑटो फोल्डेबल मिरर्स हैं इधर आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि जो है वो आपको इधर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब साइड प्रोफाइल से आपने गाड़ी देख ली है, बाकी हम एक बार गाड़ी को ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको आराम से स्पेस मिलता है एंटर करने के लिए। फुटपैक्स इधर आपको दे रखे हैं, मतलब कोई घर में आपको एजेड पर्सन है तो ईजिली एंटर कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखा दी, अब एक बार आपको साइड प्रोफाइल दिखा दी, अब आपको बैक से लुक दिखाता हूँ। आइए सो गाइस, अब हम बात करेंगे बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल की हम बात करेंगे, ये देखिए गाइस, जो इसमें आप ये वो देखते हैं बैकलाइट देखते हैं, ये पूरी आपको इसमें LED लाइट पैटर्न देखने को मिलता है। इधर जो है यहाँ पे आपकी आती है रेयर वाइपर, डिफॉगर एंड यहाँ पे इधर आपको दे रखी है यहाँ पे ब्रेक लाइट, ठीक है ना। एंड ये जो आप देख रहे हैं गाइस, इसमें स्पॉइलर जो है एड ऑन इसमें कराया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके नीचे अगर हम बात करेंगे पोर्श काइन की बिजर आपको बैरिंग देखने को मिलती है, और उसके नीचे जैसे आप नीचे देखते हैं गाइस तो दो इसमें आपको एग्जॉस्ट मिलता है, ड्यूल एग्जॉस्ट, सिंगल टी पिस्टन एंड सिंगल टी बुस्टेड मिलती हैं। एंड नीचे आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर देखने को। सो गाइस, अब इसके अगर मैं आपको बूट स्पेस ओपन करके दिखाऊं, की को प्रेस किया एंड ये देखिए इसका हो जाता है बूट स्पेस ओपन। लाइक जैसे कि गाड़ी है 2014 मॉडल है, और आप कंडीशन देखिए गाइस गाड़ी की, इवन चाहे आप ये भी देखिए एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में। ये देखिए पोर्च के यहाँ पे आपको मैट मिलेंगे देखने को। इसको उठाऊँ तो यहाँ पे आपको ओपन करके आऊँ तो ये देखिए इसका आपके यहाँ पे आता है डोनट है, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लोज। बाकी ओवरऑल अगर हम बूट स्पेस की बात करें, मतलब इतना स्पेस है कि आपको बड़े बड़े आप इसमें आराम से लगेज रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको कर देंगे क्लोज, तो यहाँ से हमने इसको दबाया तो ये हो जाता है क्लोज। तो चलिए एक बार आपको आते हुए एक बार इसका ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए। सो सबसे पहले इधर भी आपको ब्लाइंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ब्लाइंड इधर आपको दे रखे हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आपका आता है इसका एस्ट्रे, ठीक है। इसको हम करेंगे क्लोज एंड इधर आपका आता है इसका डोर हैंडल, जो कि क्रोम फिनिशिंग में आपको देखने को मिलता है। बाकी अब मैं अगर एक बार आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ तो ये देखिए सीट के गैर अगर मैं बात करूँ, सीट जो है इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड बता दूँ बेज कलर की आपको सीट्स देखने को मिलती है। प्लस ये देखिए लेग स्पेस भी मुझे मैसिव मिल रहा है एंड हेड स्पेस भी मुझे यहाँ पे काफ़ी मैसिव देखने को मिलता है। इस कार में जो है आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। 2 जोन आपका फ्रंट में हो गया एंड 2 जोन आपका बैक में हो गया, ठीक है। बाकी इधर जो है आपके आपके दोनों वेंट्स पे आपको AC कंट्रोल्स मिलते हैं एंड 2 वेंट्स आपके AC के यहाँ पे आएंगे एंड 2 वेंट्स आपके पिलर्स पे आते हैं। बाकी ओवरऑल गैस गाड़ी जो है वेल मेंटेन्ड है। एंड लाइक एक बार मैं आपको निकल के दिखाता हूँ, आप एक बार सीट्स की कंडीशन देखिए। लाइक 2014 मॉडल होने के बाद भी सीट्स की कंडीशन जो है काफ़ी नाइस है एंड इसमें इतने आपको कोई वेयर एंड टेयर नहीं मिलेंगे, जबकि एक 8 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है लेकिन कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और बीच में हम बात करें तो बीच में इसका आपका आता है 2 इसके आपका फोल्डर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसको क्लोज और अब चलते हैं लेके आपको आगे। आइए सो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना इसका जो अंदर का जो ये है ना, ये कंसोल है, फ्रंट कंसोल। लाइक जैसे कि जेट इंस्पायर्ड होता है ना, मतलब जेट में जैसे आपको कंसोल देखने को मिलता है उस टाइप का इसमें आपको कंसोल देखने को मिलता है। सीट्स की हम बात करेंगे, बेज कलर की सीट्स हैं। वेयर एंड टेयर देखिए बहुत कम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दोनों जो है आपकी फ्रंट की पैसेंजर एंड आपकी जो पैसेंजर सीट एंड ड्राइवर सीट है, दोनों जो है आपकी ऑटोमेटिक सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। साइड में इधर आपको ऑप्शन दे रखे हैं एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। बाकी हम बात करते हैं डोर पे, जैसे आप देखेंगे उस तरफ देखिए वहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के सिस्टम मिलते हैं। क्रोम फिनिशिंग में आपको इसका हैंडल मिलता है और इसमें जो आपको अंदर साउंड सिस्टम मिलता है वो आपको मिलता है पोर्च का ही इसमें आपको साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि किसी से कम मत रखना। अगर इसके आप साउंड क्वालिटी सुनोगे ना, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अब अंदर हम बात करेंगे तो एक बार मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्च की जो है बैजिंग इधर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंड ये देखिए इधर आपके सारे कंट्रोल्स आते हैं। इसमें जो है आपको मिलता है अंदर, ये देखिए इधर आपका टेम्परेचर मीटर हो गया, RPM मीटर, इधर कितने किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी, इधर आपका हो ये स्पीडोमीटर हो गया, इधर आपका स्पीडोमीटर हो गया, इधर आपका RPM मीटर, इधर आपका हो गया मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले एंड इधर जो है वो आपका हो गया इसका फ्यूल मीटर, ठीक है ना। बाकी जो इसकी की है, इसे इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको मैंने लगाया यहाँ पे। सो गाइस स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये देखिए जो ये आप देख रहे हैं इसमें आपको 4 AC vents मिलते हैं एंड सब पे देखिए आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं आपका टच ऑपरेटेड, इसमें आपको ये मिलता है, इसकी स्क्रीन जो है टच ऑपरेटेड है, मतलब इसमें ही आपको सारे फीचर मिलते हैं, आप इसी से सारे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्यूनर, मीडिया, आपको CD चेंजर, फ़ोन का ऑप्शन, नेविगेशन, मैप, सारे इन्फो कार ऑप्शन सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इवन आपको अगर इससे कंट्रोल करना है तो आप टच से भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपको इधर बटन्स भी दे रखे हैं। बाकी इधर आपको मिलता है 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 2 जोन फ्रंट में, जैसे कि जो ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, जैसे जो साथ में पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, दोनों अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है ऑप्शन ये मिलता है
एंड इधर जो है इसमें आपको बता दूँ, इसमें आपको एयरमेटिक सस्पेंशन का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल गाइस कार की हम बात करें, वेल मेंटेन्ड और एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी है। इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपका आता है, आपका एस्ट्रे आता है इधर देखने को, एंड ये देखिए जो ये है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिलती है। बाकी ये जो है इधर ये आपको ऑफ रोड एंड ऑन रोड के इधर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब जिसके हिसाब से आप फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अगर हिली एरिया में जाते हैं उसके हिसाब से आप अपनी इस गाड़ी को चला सकते हैं। इधर का स्पोर्ट्स का एंड इधर ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आ गया, दोनों ऑप्शन आपको मिल गए। बाकी इधर आपका आता है लाइटर आता है, इधर आपको दे रखा है, एंड यहाँ पे जो है आपके आते हैं दो कप होल्डर्स। इसको ओपन करके दिखाऊंगा। इधर आता है आपका स्टोरेज स्पेस, यूएनबी ऑक्स का ऑप्शन आता है, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट आता है। तो इसको मैं करूँगा क्लोज, बाकी इसको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके आते हैं स्टोरेज स्पेस डॉक्यूमेंट रखने के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका सनरूफ, वन टच ये देखिए सनरूफ, एंड आपका जो इसका ब्लाइंड है ऑटोमेटिकली इसके ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें भी देखिए इसमें सनरूफ जो है बहुत बड़े साइज का एज कम्पेयर टू X5, तो पोर्च कैनकर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे क्लोज, ये देखिए ये देखिए सनरूफ हो जाता है आपका वन टच से क्लोज, ब्लाइंड वन टच, एंड ये भी आपका हो जाता है क्लोज। सो गाइस फिलहाल ओवरऑल इस कार की पूरी बात हो गई है, क्या क्या इस कार के अंदर फीचर थे, डिटेल थे, स्पेक्स थे, हमने आपको सारे बता दिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कार के बाहर एंड बताता हूँ मेन कार की डिटेल। आइए सो गाइस अब मैं बात करता हूँ पोर्च कायन डीजल या कि प्लैटिनम एडिशन है, 2014 मॉडल है, ओनर ये सेकेंड है। बात करूँ ये गाड़ी जो है यूपी रजिस्टर्ड है। अब इसकी मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये आपको कार कॉस्ट करेगी 32 लाख रुपीज़, विच इज़ अगेन ए नेगोशिएबल प्राइस। बता दूँ गाइस जितनी भी फिलहाल मैंने आपको आज के वक्त में गाड़ियाँ दिखाई है, पैन इंडिया डिलीवरी एंड पैन इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है। अगर आप किसी भी स्टेट से बैठ के हमारा व्लॉग देख रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल कोई साउथ साइड से है, किसी को गाड़ी लेनी है, वो आ नहीं सकता यहाँ पे, आपके सामने भाई का नंबर प्रोवाइडेड है, आप उन पर बात करें, अपनी डील क्रैक करें, एंड जो है आपके स्टेट में आपको गाड़ी पहुँचा के दी जाएगी। बाकी ओवरऑल जो है आपको गाड़ी की पूरा सर्विस रिकॉर्ड चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड भी सारा मिल जाएगा, और कोई भी आपको डिटेल चाहिए किसी कार के रिगार्डिंग तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना। इसके अलावा बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 3 मर्सिडीज बेंज एस क्लास लाने वाले हैं, एक आपकी है S350D, एक आपकी S500 है, एंड एक है आपकी एस क्लास ओल्ड शिप। तो 3 गाड़ियों पे रिव्यू लाने वाले हैं। अगर कोई एस क्लास लेने का शौकीन है, कोई चाहता है लेना, तो उसमें हम आपके लिए लो रेंज की, मीडियम रेंज की एंड हाई रेंज की तीनों एस क्लास लाने वाले हैं। अब उसका वेट कीजिए, हम वो भी आपको जल्द दिखाएंगे अगले व्लॉग में। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।